अस्सलाम वालेकुम यार, आज आपके लिए जो है न्यू 2022 होंडा HR-V का POV रिव्यू लेकर आ रहे हैं। ये जो है वर्ल्ड वाइड भी 2021 में जो है लॉन्च हुई थी, और पाकिस्तान में अब ये 2022 में लोकली असेंबल ये होंडा ने लॉन्च किया है। GT के टायर दिए हैं, जो है रिम जो है वो 17 इंच के हैं, ABS ब्रेक्स और सिर्फ टॉप वेरिएंट में जो है ये आपको अवेलेबल होगा। ब्लैक रूफ और बॉडी कलर जो है वो अलग होगा, ये ऑप्शनल है, वैसे सेम कलर में ही आते हैं। और ये है जी गाड़ी की बैक, काफ़ी जो है खूबसूरत बैक है। रियर कैमरा के साथ अच्छा मेन जो फीचर्स जो मैं अभी आपको थोड़े से क्लियर कर देता हूँ, जो है पार्किंग सेंसर्स नहीं है ना टॉप वेरिएंट में, किसी वेरिएंट में ना फ्रंट में ना बैक में। कीलेस एंट्री है, और अगर आप गाड़ी से बाहर जाएंगे थोड़ा सा दूर जाएंगे तो ऑटो लॉक है। अलबत्ता फ्रंट पे और बैक दोनों पे जो है कैमराज हैं, लेकिन जो है पार्किंग सेंसर्स नहीं दिए हुए। गाड़ी की जो फिनिशिंग और कलर वो काफ़ी जो है खूबसूरत दिया हुआ है। ये जो है साइड मिरर इंडिकेटर्स हैं, काफ़ी प्रीमियम सी लुक आती है। बाकी है फ्रंट ग्रिल, ये जो है बॉडी के साथ सेम कलर में है, अगर ये ब्लैक होती तो ज़्यादा प्यारी लगती। बाकी बॉटम में भी जो है एक ग्रिल दी हुई है, जो ये मैट फिनिश में है, ये ग्लोइंग ब्लैक फिनिश में है। तो जो है गाड़ी में काफ़ी बम्पर में डिटेल्स देने की कोशिश की है, और जो अच्छी भी लग रही है। अलबत्ता यहाँ पर जो है ये भी अगर ग्रिल ब्लैक कर देते, बॉडी के कलर के साथ ना देते, तो ज़्यादा जो है लुक प्रोवाइड करती। बाकी दोनों वेरिएंट्स में जो है टॉप और लो वेरिएंट्स में LED हेडलैम्प्स हैं, और जो टॉप वेरिएंट में वो है ऑडी स्टाइल जो है इंडिकेटर्स हैं। ये जो ऑडी स्टाइल इंडिकेटर्स हैं बहुत प्यारे लगते हैं। ये जो है टॉप वेरिएंट में ये, और नॉर्मल डायनामिक जो है इन्हें इंडिकेटर भी बोलते हैं। और ये है गाड़ी का इंटीरियर, 9 इंच की जो है एंड्रॉयड LED डिस्प्ले, और ये भी ऑप्शनल है एंड्रॉयड वर्जन। बाकी जो ओवरऑल लुक है ये फील आएगी। हैंडल जो है वो थोड़ा सा मुझे जो है मज़े का नहीं लगा, क्योंकि अगर हम PZ का हैंडल देखें और बाकी जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनका हैंडल देखें, तो वो काफ़ी स्पोर्टी सा और फ्यूचरिस्टिक सी फील देती हैं। ये जो है होंडा का लोगो बहुत जो है वाइब्रेंट होता है, और थोड़ा सा पुराना किस्म का जो है हैंडल फील होता है। बाकी जो है तमाम डिजिटल कंट्रोल्स ये हैं, पावर विंडोज़ हैं, सेंट्रल लॉकिंग है, इको मोड है, हिल असिस्ट है, ऑटो पार्किंग है, हैंड ब्रेक होल्ड के फंक्शंस हैं। अच्छा जो है प्रीमियम में जो है जो टॉप वेरिएंट में है उसमें जो है लेदर सीट्स हैं, जो नॉर्मल मॉडल है उसमें फैब्रिक्स की सीट्स हैं। इसमें जो है वायरलेस चार्जिंग की आपको सपोर्ट हासिल है, डुअल क्लाइमेट कंट्रोल है, और जो है इसमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं दिया हुआ, जो कि मस्ट होना चाहिए था इसमें।
ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो 4.2 इंचेस का है, टीपीटी जो है डिस्प्ले है इसका। ये इसने मुझे थोड़ा सा ऑफ किया है, बाकी ये एनालॉग जो है स्पीडोमीटर्स हैं इसके। स्क्रीन देनी चाहिए थी पूरी, जो अब तो जो है तमाम गाड़ियों में जो है एक बेहतरीन किस्म की एलईडी डिस्प्ले होता है, तो इसमें वो नहीं है। अलबत्ता इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको फिर भी मिल जाती है, फ्यूल, ये फ्यूल एवरेज और आपका टेम्परेचर वगैरह। अगर आप डोर खोलेंगे तो वो आपको वहाँ पर इंडिकेट करने लग जाएगा, इसी तरह पिछला वाला खुलेगा वो इंडिकेट होने लग जाएगा। सीट बेल्ट जब तक आप नहीं पहनेंगे वो आपको इंडिकेशन देता रहेगा, जैसे आप सीट बेल्ट लगाते हैं तो वो उसकी इंडिकेशन जो है रेड हो जाती है दोबारा। अच्छे फीचर है, छोटे छोटे फीचर हैं पर ये काफ़ी अच्छा फीचर होता है। ये जो जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट दी है, ये एक अच्छा फीचर है। बाकी ये जो क्लाइमेट कंट्रोल है, डुअल क्लाइमेट कंट्रोल है, मज़े का लग रहा है, ग्लोइंग सी फिनिश है। हैंडल जिस तरह मैं बता चुका हूँ कि क्रूज कंट्रोल नहीं है, हैंडल थोड़ा सा ओल्ड फैशन है, जो है पीजेट का बहुत अच्छा हैंडल है, काफ़ी स्पोर्टी सी लुक देता है। थोड़ा सा रेवअप करके भी आप लोगों को दिखा देते हैं। जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो बहुत प्यारी है, 17 इंच का, 9 इंच का जो है डिस्प्ले दिया हुआ है। एंड्रॉयड ये भी जो है ऑप्शनल है अगर आप इसे एंड्रॉयड में लेना चाहते हैं, वरना सादा जो है वो जो एंड्रॉयड सादा जो है पैनल आता है। तो ये है यार फर्स्ट लुक POV CHR का, होप आप लोगों को पसंद आए। ये भी जो है टॉप वेरिएंट पे, जिस तरह आप देख सकते हैं कि इसमें टू टोन नहीं है जिस तरह उस गाड़ी में है, तो वो मैं बता रहा हूँ कि वो ऑप्शनल है, आप करवा सकते हैं। जहाँ तक यार बात इंजन की है, इंजन जो है इसका 1500 cc इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन है, जो डॉक इंजन है, जो कि 119 हॉर्स पावर जो है जनरेट करता है और 145 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है इंजन जनरेट करता है। काफ़ी कॉम्पैक्ट सा इंजन दिया है, फिनिशिंग अच्छी है, इस लिहाज से इन्होंने काफ़ी जो है काम किया बॉडी पे और इंजन पे, इसको फिट करने में काफ़ी डिसेंट सा इंजन लग रहा है। बैटरी का अगर आप ये कवर देखें तो इसके ऊपर यूँ जो इन्होंने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जो है वो दिया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ये काफ़ी हार्ड सा मटेरियल यूज़ किया है जो बैटरी को सेव करेगा। काफ़ी क्लीन सी फिनिशिंग दी हुई है। बाकी जो है बोनट जो है इसका काफ़ी जो है भारी है, जो कि आई गेस साउंड को जो है साउंड प्रूफ करने के लिए इन्होंने शीट का भी इस्तेमाल किया है, और बोनट जो है काफ़ी भारी है जिसकी वजह से देखें आवाज़ भी। वो जो कंपनी क्लेम कर रही है वो है 14 से 15 किलोमीटर पर लीटर इन सिटी, और जो है 13 लाख से जो है इसकी बुकिंग स्टार्ट हो रही है, और मार्च अप्रैल में जाके अगर अभी आप बुक करवाएंगे तो आपको डिलीवरी जो है इसकी जो है मिल जाएगी। और जहाँ तक बात रही ओन की, ओन जहाँ तक अभी मैंने पूछा है तो 8 लाख तक जो है इसका जो ओन एक्सपेक्टेड है, कि अगर ये इस गाड़ी पे ओन आया तो वो 8 लाख से शुरू होगा और ऊपर वो
काफ़ी हद तक जा सकता है। ये इसी तरह दूसरा जो है, ये बहुत कलर्स हैं, अगर अब आपको दूर से दिखाएं तो इस तरह की लुक देंगे। इसी तरह अगर आप ये लुक देते हैं जी दूर से,